और आगे आने दीजिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को आगे आने दीजिए जो आके आपकी मदद कर सकते हैं। ये फालतू का क्रिटिसिज्म मत किया कीजिए, और क्रिटिसिज्म करने के पहले खुद से पूछ लीजिए वही सवाल और जवाब दे दीजिए। अगर लगता है कि ठीक है आप जवाब देने के कैपेबल है और सामने वाला नहीं दे सकता, तब उसको गाली दीजिए, तो आगे आने दीजिए जो मदद करना चाहते हैं आपके। इस ये हरकत जो है ना, ये थोड़ा सा शांत करो और उन लोगों, उस तरह के लोगों पे मत निकालो, हम लोगों पे निकाल लो, हम लोग इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी ना मारिए। टेलीग्राम ग्रुप हमने बना दिया है, इसी वीडियो के नीचे लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ग्रुप बना सके। ये एक ग्रुप बनाने का जगह मैंने दिया है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। हेलो एवरीवन, अभी बीपीएससी क्या क्या कर सकती है और हमें इस सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं, जो मेरा स्टैंड है वो हम क्लियर कर रहे हैं। मेरा अभी तक ये मानना है, जैसे जो इन्फॉर्मेशन और जो चीजें आ रही है, मेरा ये मानना है, पर्सनली मैं कह रहा हूं, आप लोग नहीं मानो ये ज्यादा बेहतर है, कि डेट शिफ्ट होगा। ये मेरा पर्सनली मानना है। आयोग डरा रही है, आयोग जब भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है, आपको पता है ना अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? जो टीचर वाले थे वो तो करके गए, लेकिन उनको पता था 25 को प्रोग्राम था बीपीएससी गेट पे, 25 तक लगा दिया, 26 में शिफ्ट हो गया है। तो एक तो डेट को लेकर, क्यों डेट को लेकर, ये भी हम बात करेंगे कि डेट चेंज होने के चांसेस अभी भी हैं, जो मैं समझ रहा हूं आप नहीं समझो, सिंपल सी बात है। और इसके बाद देखिए, जब आपके फेवर में, ये सोशल मीडिया ना बड़ा ही दोधारी तलवार है, यहां पे आपके फेवर में बहुत लोग नहीं आ पाते हैं जो काफी स्ट्रांग है, पॉलिटिकली साउंड है, फाइनेंशियली मजबूत है और काफी ज्यादा अप्रोच है उनके पास, लेकिन आपके सामने नहीं आ पाते हैं। पता है क्यों? उसके पीछे रीजन कि वो लोग क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते, आलोचनाएं झेलने का ताकत सबके पास नहीं होता है, थोड़ी बेपरवाही जरूरी होती है, तो वो आपके लिए आगे नहीं आ पाते। क्योंकि आपको क्या करना है, देखो चेयरमैन अभी क्या बोल रहे हैं कि डेट बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, उसमें भी आगे जाके हम बदलाव कर सकते हैं। तो अभी तो आयोग के लेवल पे कंफ्यूजन है। आप हम लोगों से क्या डिमांड चाहते हो कि हम फुल प्रूफ आपको सब कुछ बता दें। जब भी कभी होता है कि नहीं डेट बढ़ेगा, तो कब बढ़ेगा सर? अक्टूबर जा सकता है, नवंबर जा सकता है? चीजें अभी प्रोसेस में है और आप एग्जैक्ट की उम्मीद करके बैठते हैं, उसी जगह पे हम ही आपसे पूछे तो एग्जैक्ट बता दोगे आप? ये बताइए, आप जो सवाल हमसे कर रहे हो ना, किसी से भी जो आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आप उस जगह पे खुद को रखो और वही सवाल अपने पे दाग दो और बोलो एग्जैक्ट बताने के लिए, और पूछो खुद से कि कितनी सही हो सकती है ये बातें, कितनी गलत हो सकती है। बहुत इजी है ना, टाइप कर दिया, टाइप ही तो करना है। वही फिजिकली प्रेजेंट करने के लिए जब बात होगी ना आने के लिए, तो 80% लोग भाग जाएंगे, 90 भाग जाएंगे, 10% ही टिकेगा। और आपको क्या लगता है कि जो मतलब फ्रंट पे आके आपसे हम बात करते हैं छोटे छोटे टॉपिक के, तो वही हवा हवाई, चीजें गलत हो सकती है। जब आप कोई बात बोलते हो, आपका कोई सुन रहा होता है, तो वहां गलती की गुंजाइश है, चीजें बदल सकती है रैंडमली। तो आप कहोगे आपने तो ऐसा कहा था, ये बदल कैसे गया? अब सवाल ये उठता है, इसीलिए कोशिश, इसीलिए आप लोग के इस हरकत के कारण बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं, और मेरे से बात लगातार होती है, बोला नहीं सर हम फेस नहीं दिखा पाएंगे, हम मदद कर देंगे बट फेस नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि सर अनाप शनाप सब बोलने लगता है। ऐसा तो होता ही, वो तो देख ही रहे हैं कि बोलने लगता है। तो ऐसा करो ना कि लीड ही कर लो ना, कहां कोई लीड कर रहा है, सब बैक पे आप लीड कर लीजिए। हर एक आदमी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी है, ठीक है? एक जो भी जिस पोस्ट पे होता है वहां पे अगर वो सही काम कर रहा है ना, तो ठीक है, उसको करने दीजिए। इन्फॉर्मेशन सही गलत हो सकता है, इसकी संभावना है। अब सवाल उठता है कि क्या क्या होना चाहिए आगे, बीपीएससी क्या कर सकती है? देखो एक चीज समझ लो, कोई भी जो एक सिंपल सा थ्योरी है और आप लोगों को समझना चाहिए, फैक्ट जो सबको दिखता है ना, उसको थोड़ा सा बदलना आसान होता है। जैसे 20 और 22 का एग्जाम एक फैक्ट है, एक फैक्ट की तरह दिख रहा है, एक बिल्कुल जो है ना
सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है 20 और 22 को एग्जाम है, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, कैसे एग्जाम लेंगे, ये सबको नहीं दिख रहा। आप इसको बैठ बैठ के समझाओगे तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन 20 और 22 को एग्जाम है, कब एग्जाम है भैया, जिस भी लीडर से आप बात करोगे कब एग्जाम है, 20-22 को एग्जाम है, क्या दिक्कत है। तो यूपीएससी के साथ क्लास कर रहा है तुरंत समझ में आ जाएगा, उनको बोलो स्केलिंग हो रहा है, परसेंटाइल हो रहा है, और दो शिफ्ट में होगा तो ऐसे 5-5 हजार बच्चे को बैठाएंगे तो ईबीसी ओबीसी दिमाग उनका वही खत्म, ब्लॉक हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा आपको और हमें नहीं आ रहा तो उनको क्या समझ में आएगा। आयोग साहब, आयोग के चेयरमैन को समझ में नहीं आ रहा तो उनको कैसे आएगा, तो एक ही बार आपकी बात को कैसे मान लेंगे, आप सोचो एक बार। लेकिन डेट की बात तो मान लेंगे, अच्छा 20-22 को हो रहा है, टकरा रहा है, अच्छा ठीक है हम बात करते हैं, उतना तो सबको समझ में आ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो प्रिंसिपल होता है, किसी का सिद्धांत होता है, कोई नियम होता है ना, उसके अंदर बदलाव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए कन्विंस करना मुश्किल होता है, लेकिन जो बिल्कुल कंक्रीट है, एकदम क्लियरली दिख रहा है आपको, वहां पे आप कन्विंस थोड़ा इजिली कर सकते हो। तो अभी क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहला वन शिफ्ट तो सबका डिमांड है, ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं है आपका नहीं है, सबका डिमांड वन शिफ्ट है, ऑलमोस्ट कुछ लोगों का छोड़ के सबका डिमांड है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, उसके पहले आपको डेट शिफ्ट करवाना होगा, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम इसके लिए चाहिए। लड़ाई लड़नी है तो रणनीति तो स्ट्रांग होना ही चाहिए ना, कुछ भी कर लेंगे, अग्निवीर की तरह तोड़फोड़ मचा दिए, बाद में रेस दौड़ रहे हैं, कितना तोड़फोड़ मचा, उस समय जब तोड़फोड़ मच रहा था तो क्या लग रहा था, इतना तोड़फोड़ कर देंगे ना कि सरकार तो झुक जाएगी, झुक गई, या अगले दिन से वही फिर दौड़ लगाने लगे सुबह साहब, जबकि किसान आंदोलन ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, सक्सेस हो गया ना। तो अभी होना क्या चाहिए, अभी होना यह चाहिए कि आप लोग सबसे पहले डेट और शिफ्ट दो पे ही बात कीजिए, कुछ और मत समझाइए, कुछ भी किसी को, कोई परसेंटाइल मत समझाइए, कुछ भी मत समझाओ, क्योंकि समझाओगे समझ में नहीं आएगा। दो टॉपिक पे बात कीजिए, एक तो डेट और एक वन शिफ्ट, दैट्स इट। परसेंटाइल और ये वो उसके चक्कर में जाना ही मत, एक शिफ्ट हो जाएगा परसेंटाइल खत्म, कहानी उसकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और नहीं होगा तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है, आपको समझ में भी आ रहा है, दिक्कत ये हो सकती है कि यूपीएससी के स्टूडेंट का एप्लीकेशन से डेट को लेकर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए आयोग तैयार है। अगर यूपीएससी के स्टूडेंट के साथ पाला पड़ गया एक साथ उस बैच वाले को नुकसान हो जाएगा, दूसरे वाले को नहीं होगा, उस बैच वाले को नुकसान हो जाएगा, उस शिफ्ट वाले को नुकसान हो जाएगा, पक्का है ये, ऑलमोस्ट ये तय है, ठीक है, होना ही है। तो और जिनको बिहार से लगाओ है ना, थोड़ी भी मेंस में वहां कमजोरी नजर आएगी, वो बीपीएससी पे अटैक करेंगे। खैर ये तो अलग बात है, हमें एक शिफ्ट में चाहिए, दैट्स इट। तो हमें चीजों को पीसफुली और काफी समझदारी से लेके आगे बढ़ना है। अपने गार्जियन को इन्वॉल्व कीजिए जरूर, आपके गार्जियन इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना तो इफेक्टिवनेस कम हो जाता है कहीं ना कहीं। सरकार को भी लगता है कुछ हिलने डुलने वाले 2-4 लाख बच्चे हैं तो इसमें आधा तो ऐसे ही लुढ़क जाएंगे लाश होते होते कुछ और। तो इसको इस तरह से इसको फोकस कीजिए। और अध्यक्ष क्या है, सरकार चाहेगी तो अध्यक्ष क्या कर लेंगे। तो आपको अभी लगातार जो है ना, खास करके तेजस्वी यादव, इसलिए देखो कोई अब इसमें दिमाग किसी को लग गया कहीं राजद के सपोर्टर तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, खुल के मैं बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजद के सपोर्टर, बीजेपी के सपोर्टर या कांग्रेस के, जो अच्छा काम करेगा अच्छी बात है। और हमारे यहाँ अभी मुख्यमंत्री कौन है, हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री कौन है, तो जो है उन्हीं से बात करेंगे ना। बीजेपी वाले रहते तो उनसे करते, कांग्रेस वाले होते उनसे करते, समाजवादी होते उनसे कर लेते। तो जो सरकार में वही तो चेंज करेगा या चेंज को लेकर इनिशिएटिव लेगा। तो आपको अभी नीतीश कुमार और तेजस्वी को ज्यादा अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि यूथ लीडर है, आगे उन्हीं को बिहार चलाना है और आगे आप ही लोगों को मिलकर बिहार चलाना है। आप अधिकारी बनेंगे, वो जो भी आगे पॉलिटिकल कैरियर उनका होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे या जो भी बनेंगे, तो मिल कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में तो रहेंगे, छोड़ तो रहे नहीं, तो मिलकर चलाना है। तो सिंपल सी बात है, आपको वहां अप्रोच करना चाहिए। और अभी पहला डिमांड, सबसे स्ट्रांग डिमांड हो डेट शिफ्ट होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी, उनका भी हिम्मत टूटेगा, आयोग वाले का, किसने डेट चेंज करवा लिया, उनकी हिम्मत तोड़नी जरूरी है। और मैं कह रहा था कुछ तो देखो, हलचले डेट्स को लेकर हो गई है स्टार्ट,
काफी ज्यादा पॉलिटिकली और अलग अलग तरीके से। तो ये डेट्स को लेकर तो हलचल शुरू है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक चेयरमैन ही है, बीपीएससी की एकमात्र चेयरमैन है जो एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, और कोई भी रेडी एग्जाम के लिए नहीं है, ये मान के चलो। ये इनकी जिद है, तो ये जिद जो है उनसे नीचे का कोई स्टाफ नहीं तोड़ सकता, आयोग के मेंबर नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर का लोग जो है ना उस जिद को रोक सकता है, और वो सरकार। तो आपको सरकार के पास अप्रोच करना होगा, क्योंकि वो तो जिद ठान के बैठे हैं ना। तो जिद ऑब्वियसली, अब जिद ठान के बैठे हैं तो शिकायत तो ऊपर वाले से करोगे, या तो आप सरकार के पास जाएंगे या कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट एक अंतिम विकल्प है हमारे पास, लेकिन वो एक अंतिम विकल्प है, ये ध्यान रखिएगा, उसको उस प्राइमरी विकल्प नहीं बनाना है, वो एक अंतिम विकल्प के रूप में रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें फिर मामला फंस जाएगा और हम मामला फंसाना नहीं चाहते। हम एग्जाम भी चाहते हैं, फेयर एग्जाम भी चाहते हैं, और जेन्यून कैंडिडेट की एंट्री हो उसके अंदर, ये हम चाह रहे हैं, और किसी और को परेशानी ना हो, एग्जाम के बीच में एग्जाम ना हो। जैसे उन्होंने कहा कि बीच में एग्जाम बहुत सारे, बीच में एग्जाम कभी स्टूडेंट नहीं देते, एग्जाम खत्म होने के बाद दूसरा एग्जाम देते हैं, तो खैर ये चलो अपना एक अलग है। और इन्होंने डेट डाला है ना बीच में, जो पहले से, अभी इन्होंने क्या बोला, मैं कैलेंडर ऐसा जारी करूंगा कि दूसरा कोई अगर कैलेंडर जारी करेगा तो वो सोचेगा, हमको सोचना ना पड़े, तो ऑब्वियसली ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने अभी क्यों फंसा दिया डेट, अभी तो आपने लेट से कैलेंडर जारी, लेट से आप चारों तरफ बोल रहे हो, तो आपको डेट नहीं फंसाना चाहिए। अभी ये ऑफिशियल नोटिस भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी सुनने में आ रहा है कि ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा डेट को लेकर, तो ये सब चीजें चलेंगी। और अब सवाल है कि आपको, हमें क्या करना चाहिए, मैंने एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए। देखो एज ए स्टूडेंट हम ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं पढ़ना है, आपको पूरे जोश खरोश के साथ पढ़ना है। तो इस पैनिक सिचुएशन, इस टेंस सिचुएशन में पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, सवाल ये भी है। तो इस टेंस सिचुएशन में जब पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो क्या, देखो सोशल मीडिया से ऑब्वियसली आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है, वो अभी हो रहा है, या आप मूवीज देख के, गाना देख के, रील्स देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती ही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप अभी और आप एकदम अभी दूर हो जाएंगे, ये सही भी नहीं है, ये एज ए मतलब आपके जो भी प्रोटेस्ट है उसके लिए भी सही नहीं है और आपके लिए भी सही नहीं है, आप भी नहीं हो सकते हो कहीं ना कहीं। तो बेहतर ये है कि एक टाइम फिक्स कर लीजिए, 3 घंटे या 4 घंटे पे एक बार देखेंगे, तो जो जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपको आपके पास आ जाएगा उसमें आपको जो भी करना है कीजिए। और पटना के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो एक डेलीगेशन, एक ग्रुप बना के तेजस्वी से मिलिए, प्योर स्टूडेंट ग्रुप को तो ज्यादा अच्छा है। और 26 तारीख को दिलीप जो है मूवमेंट कर ही रहे हैं, तो उसके अंदर आप लोग पीसफुली शामिल हुई, अधिक से अधिक संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो सब वहां पे आइए, ठीक है। और हम लोग भी अपने हिसाब से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हर चीजों को, तो और आगे आने दीजिए ऐसे लोगों को आगे आने दीजिए जो आके आपकी मदद कर सकते हैं। ये फालतू का क्रिटिसिज्म मत किया कीजिए, और क्रिटिसिज्म करने के पहले खुद से पूछ लीजिए वही सवाल और जवाब दे दीजिए। अगर लगता है कि ठीक है आप जवाब देने के कैपेबल हैं और सामने वाला नहीं दे सकता, तब उसको गाली दीजिए, तो आगे आने दीजिए जो मदद करना चाहते हैं आपके। इस ये हरकत जो है ना, ये थोड़ा सा शांत करो और उन लोगों उस तरह के लोगों पे मत निकालो, हम लोगों पे निकाल लो, हम लोग इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना इतना आसान काम नहीं होता है, उसके लिए अलग लेवल चाहिए। तो ऐसा तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी ना मारिए, और लोग आपकी मदद कर रहे हैं आप भी कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप हमने बना दिया है, इसी वीडियो के नीचे लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ग्रुप बना सके। ये एक ग्रुप बनाने का जगह मैंने दिया है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो होपफुली कि चीजें समझ में आ रही होंगी, और हम लोग अभी लगातार हम लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे लास्ट तक, होना नहीं होना ये अलग बात है, लेकिन दिल में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि किए नहीं। आप लोग इसको रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो रिजल्ट तो है ही है, लेकिन एफर्ट कैसे छोड़ दें। रिजल्ट तो आप लोग तैयारी कर रहे हो, मे बी नहीं हो, तो आप ये तो कल होकर नहीं कि अफसोस होगा ना कि हमने एफर्ट नहीं किया, एफर्ट का अफसोस नहीं होना चाहिए, और अच्छे सही से करेंगे रिजल्ट भी आएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।